हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन सा शेयर का प्राइस जो इंक्रीज़ होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसका ये देख सकते हो VRL लॉजिस्टिक, अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 263 के अराउंड में चल रहा है दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो अगर आपने नहीं ख़रीदा तो आप खरीद सकते हो, दम्बर खरीद सकते हो। आने क्यों खरीदोगे? क्योंकि आने वाले दिनों में प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। इतना तो काफ़ी है दोस्तों। उसके बाद देख लो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डर जाते हैं कि नहीं खरीदूंगा करके ऐसे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो जो गिरा हुआ स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन जो ऊपर है पहले से वो स्टॉक और कहाँ जा सकता है, थोड़ी बहुत और। तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जिसका प्राइस नीचे हो, ठीक है, जिसका प्राइस मतलब डाउन में हो, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है डबल बॉटम बना दिया है, और यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बनाने के कारण ये स्टॉक में जो थोड़ा बहुत अभी आपको जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 263 का प्राइस है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ना ही फ्यूचर के लिए होता है, ना ही ऑप्शन के लिए होता है। जो भी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हालाँकि अगर आज मैंने आपको बोला तो हो सकता है कि दोस्तों कल के इसमें हो सकता है 2-4 रुपया या जो भी गिरावट आए थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैंने बोला था आज तो वो कल गिर गया तो ये स्टॉक नहीं चलेगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए है। हो सकता है कि कल छोड़ के आपको परसों हो जाए। तो जो भी स्टॉक है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, 2-4 महीने, 6 महीने, साल महीने, 1 साल तक रखो, चाहे जो भी है, 2-4-6 महीने, जब भी प्रॉफिट निकल जा रहा है लेने के बाद निकल जाओ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कल जैसे मार्केट ओपन होगा इंट्राडे कर लेते हैं, करने के बाद बोलते हैं भाई मैं तो इतना में लॉस में हो गया, अब क्या करूं। तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंट्राडे मत कीजिए, वो सही नहीं है, ठीक है। आज एक दिन आएगा तो बहुत आएगा, लेकिन जब दूसरे दिन आएगा तो उससे ज्यादा चले जाएगा, इसलिए, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इंट्राडे मत कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपना रिस्क लेके देखिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों देखिएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक का प्राइस दोस्तों बहुत ज्यादा गिरा हुआ। क्यों गिरा हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये कंपनी किस में इंगेज है। ये कंपनी जो इंगेज है दोस्तों, वो पैसेंजर ट्रांस, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पैसेंजर को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सर्विस देती है। मतलब कि जैसे बस वगैरह हो गई, वैसे वैसे जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, एक तरह से मान लीजिए ऑटो ऑटो इंडस्ट्री की साइड में है। इसीलिए ये जो कंपनी है दोस्तों पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, ठीक है। तो मतलब बसेस बनाती है, जैसे कि एक अच्छे से कंपनी का एग्जांपल दूं तो मान लो कि अशोक लेवलैंड, ठीक है दोस्तों, अशोक लेवलैंड में भी उसमें भी क्या है कि वो बसेस ज़्यादा तक बनाती है। तो ऐसी कंपनी है, उसी में इंगेज है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऐसी कंपनी है, तो ये आपको डिविडेंड भी देती है 2% के आसपास। और दोस्तों स्टॉक गिरा हुआ है, इस टाइम जो है हमें खरीद लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो जाए। ज़्यादा गिरा हुआ है और भी गिर जाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ज़्यादा नहीं होगा। वो कैसे, इसकी होल्डिंग है, ठीक है, जो प्रमोटर्स की और उसके बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो यहाँ पर है 68%, मान लीजिए 70% के आसपास जो है इन्हीं के पास है। और बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर देखोगे प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, इन्होंने अपना शेयर को प्लेज नहीं किया। हालांकि इतना गिरावट आया लेकिन इन्होंने अपना शेयर को प्लेज नहीं किया। ये दिखाता है कंपनी का एबिलिटी और कंपनी का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आने वाले दिन में अगर प्राइस, शेयर का प्राइस भी गिरता है तो क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लो म्यूचुअल फंड वालों ने, देखो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं तो 10% के आसपास ही जो है लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं तो 10% के आसपास लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने जो है यहाँ पर 21%, मतलब कि दोस्तों 20% से भी ज़्यादा लिया है। मतलब कुछ तो खास बात होगा, कुछ तो खास बात होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने भी यहाँ पर देखिए मतलब सेम ही उठाया, दोनों ने सेम उठाया। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बच गया दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशन को कम दिया गया, चलो ठीक है भाई, उनको नहीं बचा तो जो कम देने देना। लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखिए पब्लिक के पास केवल 5% है। जो अच्छी कंपनी होती है वो ज्यादातर पब्लिक में रिवील नहीं होता,
और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आज के डेट में तो शेयर का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख लो शेयर का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि नेट सेल्स, कंपनी का जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज़ हो गया। आप जब कंपनी का नेट सेल्स, मान लो कि आप ही ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी आपने, आप जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट को सेल करती है, जैसे कि शैम्पू साबुन जो भी हो गया, ठीक है, तो अगर उसका सेल्स इंक्रीज़ होगा, मतलब कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, तो किसको प्रॉफिट होगा? होगा ना उसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हो VRL लॉजिस्टिक का, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नेट सेल्स जो है इंक्रीज़ होना, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ है। क्यों? क्योंकि अभी जो है इनका बैलेंस शीट में वो शो नहीं किया गया, वो भी जैसे जैसे होगा वो आपको धीरे धीरे पता चल लगा, टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, कंपनी पॉजिटिव है और गुड वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी अगर आप खरीदना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म पोजीशन से आप खरीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है, तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसी तरह यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया है जस्ट 22 अगो, ठीक है, 22 आवर्स अगो मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर देख लो दोस्तों जस्ट 22 आवर्स अगो। और ये इस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था NTPC लेटेस्ट गुड न्यूज़, ठीक है, अब तक लॉस हो रहा था अब प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी देख लो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, NTPC लेटेस्ट गुड न्यूज़, अब तक लॉस हो रहा था वाज इज़, ठीक है, वाज इज़ मतलब था और है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब मैंने लिखा क्या दोस्तों, अब प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ देखिए वीडियो प्ले कर देता हूँ प्रूफ के तौर पे, एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, एक मिनट भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आपको टाइटल में यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, टाइटल अब पढ़ लो, मैंने साफ साफ लिखा है अब तक लॉस हो रहा था लेकिन अब प्रॉफिट होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ भाई, क्योंकि डेट जब देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस डेट था और जो करेंट डेट था उसमें क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख लो 10 फरवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 10 फरवरी को, ठीक है। और मैं आपके सामने ये वीडियो प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वालिटी में ठीक कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैंने जो है ये स्टॉक में आपको 18% का प्रॉफिट दिया। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट कौन सा लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक का प्राइस है दोस्तों, वो स्टॉक का नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, उसका देखिए NT। तो मैंने आपको साफ साफ बोला कि मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला, कौन सा था दोस्तों? NTPC, यहाँ पर देख सकते हैं। पीसी, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है NTPC, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक तो मैंने दो बार बोल दिया भाई कि एक बार मैं और बोल रहा हूँ कि जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर है देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके मैं दिखा देता हूँ, दो बार मैंने कंटिन्यू बोला। खाने जा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, उसका देखिए NTPC। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है NTPC, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला, अगर आप नहीं खरीदा है तो मैं तो बोलूंगा कि आपको खरीद लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए दोस्तों, दमादम खरीदना चाहिए चाहे जो भी हो, ठीक है। और देखिए ये मैं आपको, तो ठीक है, मैंने बोला दमादम वो खरीदना स्टॉक का चाहिए, नाम मैं आपको दिखाने, एक मिनट भाई, मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि दोस्तों NTPC का जो शेयर प्राइस इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो 113, और मैंने बोला कि दमादम आप खरीद सकते हो। वीडियो देख लीजिए दोस्तों, यही वो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का चैनल है जहाँ पर आपको एक दिन पहले बताया जाता है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो मिस नहीं होगा। तो डेट देख लीजिए दोस्तों, मैंने जो है 10 फरवरी को ये वीडियो बनाया था, जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था 113 चल रहा था, और आज आपके सामने देखिए, आपके आँख के सामने है, ठीक है। मैंने एक दिन पहले बताया था, आज का डेट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी सकते हैं। NTPC यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 3% का अपर सर्किट है, 3% का यहाँ पर देख लीजिए, 2.95, ठीक है, 2.95, मतलब कि दोस्तों 3%, और हाइएस्ट कहाँ तक गया था तो यहाँ पर देख लीजिए 17 रुपीज़ को भी इसने जो है क्रॉस कर दिया, 17 रुपीज़ को, और देखिए 17 में तो यहाँ पर आपको 3% मिला, वो भी एक ही दिन में, मैंने जो है एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। तो दोस्तों बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो 1 साल के अंदर आपको जो है 7% मिलेगा, और ये स्टॉक में एक दिन के अंदर जो है आपको 3% मिल गया। तो आप किसके ऊपर जाओगे, बैंक के ऊपर जाओगे या इसके ऊपर जाओगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसका प्राइस एक दिन में मान लीजिए थोड़ा बहुत डिक्रीज भी होता तो डरिएगा मत, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करना है अच्छी तरीके से, उसी तरह हमारे सारे YouTube वीडियो में बता दिया जाता है एक दिन पहले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगता है आगे देख सकते हो।
और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो ये जो नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये इस नंबर पे, उसके बाद ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और एक बात, अगर कुछ लोगों को डाउट है कि ट्रायल सैम्पल डेमो देखने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाके सारे वीडियोज़ के साथ पेपर ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेट देख लीजिएगा, सारे वीडियोज़ में आपको एक दिन पहले ही बताया, सारे स्टॉक जो है मैंने एक दिन पहले बताया कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आज के डेट में आप जाके देख लो। या हालांकि दोस्तों, कुछ कुछ तो ऐसे भी स्टॉक है जो आपका पैसा डबल ही कर दिए हैं। ऐसा स्टॉक और ऐसा वीडियो शायद ही बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।